दोस्तों, 90 के दशक के गाने आज भी आपको खूब सुनने को मिलते हैं। बहुत सी शानदार फिल्में 90 के दशक में आई। इस दशक के ज्यादातर हीरो आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन हीरोइन सिर्फ कुछ ही दिखती हैं। आपको हिना, आशिकी, सिर्फ तुम जैसी फिल्में तो जरूर याद होंगी, लेकिन उनकी हीरोइनों के बारे में अब कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं जो अब गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। नंबर 1, अनु अग्रवाल। दोस्तों, 1990 में आई सुपरहिट फिल्म आशिकी से अनु अग्रवाल ने करियर की जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन पहली फिल्म के बाद वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गई। एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपनी एक किताब में अपनी निजी जिंदगी के बारे में लिखा। नंबर 2, अश्विनी भावे। कश्मीर की वादियों में बनी फिल्म हिना को आप नहीं भूले होंगे। 1991 में हिना का किरदार निभाने वाली अश्विनी भावे इस फिल्म में छा गई, लेकिन जब इस फिल्म के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने दक्षिण की फिल्मों का रुख कर लिया। नंबर 3, आयशा जुल्का। 90 के दशक की एक और खूबसूरत अदाकारा आयशा जुल्का ने 1992 में खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों से धमाका किया, लेकिन आयशा लंबी पारी नहीं खेल पाई। नंबर 4, नीलम। नीलम ने भी 90 के दशक में कई फिल्में की। सलमान के साथ एक लड़का एक लड़की में वो दिखी। गोविंदा के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की, लेकिन जल्दी वो फिल्मों से दूर हो गई। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में वक्त हमारा है और करण अर्जुन जैसी फिल्में की, लेकिन इसके बाद वो उन्होंने नशे की दुनिया की तरफ रुख कर लिया। इसके चलते उनका करियर बर्बाद हो गया। नंबर 6, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट आज सफल फिल्म निर्माता हैं, लेकिन एक अभिनेत्री के तौर पर वो शानदार शुरुआत को जारी नहीं रख सकी। 1991 में उनकी दो हिट फिल्में सड़क और दिल है कि मानता है नहीं आई। इसके बाद पूजा के हाथ कामयाबी से खाली रहे। नंबर 7, प्रिया गिल। आपको सिर्फ तुम की सीधी सादी लड़की याद होगी। जी हाँ, प्रिया गिल। उन्होंने संजय कपूर के साथ सिर्फ तुम और शाहरुख खान के साथ जोश जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन शुरुआती हिट फिल्मों के बावजूद उनका करियर जल्दी ही खत्म हो गया। नंबर 8, फरहीन। फरहीन ने जान तेरे नाम और सैनिक जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं चली, लेकिन आज वो एक सफल बिजनेस वूमेन है। नंबर 9, अंजला जावेरी ने अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र से करियर शुरू किया। हालांकि ये फिल्म हिट नहीं रही, लेकिन उनको खूब तारीफें मिली। वो प्यार किया तो डरना क्या में साइड रोल में दिखी। नंबर 10, पूजा बत्रा। पूजा बत्रा ने विरासत और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्में की, लेकिन वो जल्दी ही फिल्मी पर्दे से गायब हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और भी 90 के दशक की चटपटी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।